Audio Jungle. Audio Jungle. Hello and Assalamu Alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ्राइड फिश, जिसके लिए मैंने 2 किलो मछली ली है। कोई भी आप मछली ले लें। और इसको मैंने धो लिया है पहले अच्छे तरीके से। हर मछली के अलग अलग डिज़ाइन से, अलग अलग तरीक़ों से ये मछली बनती है। आप पहले भी धो सकते हैं इसको, बाद में भी धो सकते हैं। मैंने इसको आज पहले धो लिया। अब मैं इसको इसके अंदर सिरका डालूंगी, 5 से 6 चम्मच सिरका डालूंगी, फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी, क्योंकि इसकी वो महक जो होती है, एक अंदर से स्मेल जो होती है, वो ख़त्म हो जाएगी इससे। अब मैं इसके अंदर सिरका डालने लगी। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट भी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैरिनेशन होगी तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँ। बस अब मैं इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो इसके अंदर आटा डालते हैं, जो गंदम का आटा होता है ना, वो डालते हैं, वो उससे पानी अंदर मिक्स करके साथ, तो वो ऐसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे, फिर बाद में हम आपको मसाले वगैरह बताऊंगी। अब मैं 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट, तो अब मैं इसका पानी गिरा दूंगी और अब हम इसके आगे मसाले इसको लगाएंगे। अब मैंने इसका पानी स्ट्रेन आउट कर लिया और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी सारे। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और सूखे धनिए का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून अजवाइन ली है, 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स के लिए हैं। अब ये सारे के सारे सीजनिंग जो है, मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें 5 to 6 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लेमन जूस के ऐड करूँगी। आप 5 से 6 अदद लीमू भी ले सकते हैं। ये मैंने तकरीबन लिए 5 से 6 लीमू ही थे, उसका हमने निकाल के, जूस निकाल के इसको मैरिनेट करना है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। अब मैंने सबको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी, जितना आप रिक्वायर्ड समझते हैं। फिर इसके बाद हम इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। मैरिनेशन आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू है इधर मुझे, एंड नथिंग प्रॉब्लम। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नहीं, बल्कि हम 4 टेबल स्पून इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। अब मैं इसको मिक्स कर दूँ अच्छे से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैंने बेसन भी इसको मिक्स कर लिया, साथ मैंने लगा दिया। अब हम इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए रखेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। एंड प्लीज़ याद रहिए कि मेरा चैनल न्यू चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
इस तरह का पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल रख दिया। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब मैंने इधर ऑयल लिया और अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद ऑयल गर्म हो चुका है। मैं ये तकरीबन ऑयल देखें इतना गर्म हो चुका है। ये 4 पीसेस मैंने डाले हैं। तकरीबन एक साइड पे हम इसको 4 मिनट्स रखेंगे, फिर दूसरी साइड पे हम इसको फिर 4 मिनट्स रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, ना हाई पे ना लो पे, मीडियम पे फ्राई हो इसको कर लें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और ना चम्मच चलाया, और अब हम इसको हल्का सा इसकी जगह से हिलाएँगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। हालांकि ये नॉनस्टिक पैन है, इसमें चिपकेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा करेंगे। देख सकते हैं जस्ट, ये देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं ये चिपक की, ये देखें साइड से इसका कलर गोल्डन हो रहा है। इट मीन्स ये बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो रही है। याद रहे कि इसको हमने जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन फ्राई करना है, ब्लैक की तरफ नहीं हमने इसको लेकर जाना है। 3 to 4 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँ। ये देखें ज़्यादा बेसन अगर हम लगाएंगे तो वो अंदर से फिश को सही मज़ा नहीं आएगा फिश से। इतना जस्ट हम इसको लगाएंगे, बस लाइट सी सिंगल कोटिंग करेंगे हम, आप देख सकते हैं। फिश हमारी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी, प्लेट में मैं डाल दूँगी, फिर मैं आपको असेंबलिंग करके इसकी दिखाती हूँ। ये इसका आप कलर देखें कितना अच्छा, आप इसके अंदर ज़रदा रंग भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा येलो येलो कलर होगा और वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं डाल नहीं सकी। फिश हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।